classification. This is chapter 2nd of NCERT, 11th NCERT. Cognition. In this lecture, we are going to discuss fungi. Previous lecture, we have fungi ke common characters, general characters, we will discuss here, we will discuss in writing associations, we will discuss here. This lecture, we will skip types. Common characters is kind of easy. काफी सारे characters ऐसे निकले हुए हैं जिनको previous lecture में discuss कर चुके हैं. यहाँ पर इसको category wise discuss कर रहे हैं. fungi को चार different, four different categories में divide किया है. Phycomycetes, Ascomycetes, Decidiomycetes and Cryptomycetes. So सबसे पहले बात करते हैं phycomycetes. Phycomycetes aquatic है, moist habitat में रहती है. Aquatic का मतलब ये नहीं है कि पूरी पानी में, बल्कि ये ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्चर हो वहाँ ज़्यादा सकती है. Phycomycetes आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स. इनकी बॉडी ए सेपरेट होती है. और एक सिंपल सी चीज, जब भी किसी फंगस की बॉडी ए सेपरेट है, दैट मीन्स सिनोसाइटिक है. सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लेटेड, उसकी का मीनिंग है मल्टी न्यूक्लेटेड. ए सेपरेट मीन्स सेप्टा एब्सेंट. तो सिंपल सी कंडीशन है, जब सेप्टा एब्सेंट होंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और उस कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन होंगे. ये जो माइसिलियम की बात होगी, इनका माइसिलियम है, बात की गई प्रीवियस लेक्चर के फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जिनको हाइफी बोलते हैं, वो एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज माइसिलियम. माइसिलियम में भी एसेपरेट और सेपरेट. तो यहाँ पर इनकी एसेपरेट होगी, और जब एसेपरेट है कंडीशन सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक इज द मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन. नेक्स्ट, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स फॉर्म. यहाँ पर साइकोमाइसिस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पोर्स बनेंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर्स होते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं ये एयर प्लेनर स्पोर्स कहलाते हैं. इनके गैमिट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा. गैमिट्स में भी आइसोगैमस और एनाइसोगैमस. आइसोगैमस इज द कंडीशन इन विच बोथ गैमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर. तो जो दोनों गैमिट्स एक दूसरे जैसे होंगे, दिखने में मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे जैसे होंगे, वो कंडीशन आइसोगैमस होती है. एनाइसोगैमस जब दोनों गैमिट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, शेप एंड साइज एक दूसरे जैसी नहीं है. इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूटन राइजोपस, राइजोपस जो आपके ब्रेड में रोटी पर चलती है, ब्रेड रोटी, एल्बुगो ये मस्टर्ड पर भी होती है, पैरासाइट. नेक्स्ट बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिस की. एस्कोमाइसिस को सेक फंजाई भी कहते हैं. ये सेप्रोफिटिक है. सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डीके पर फीड करता है, जो डेड एंड डीके पर फीड करेगा तो ये डिकम्पोजर भी हो सकते हैं. पैरासाइट है, पैरासाइट होंगे. और ये कॉप्रोफिलस भी होंगे. कॉप्रोफिलस ऑर्गेनिज्म दे ग्रो ऑन डब. जो एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट जो डब है उन पर ग्रो करते हैं, उन्हें कॉप्रोफिलस कहते हैं. सिंपल सा एक न्यू वर्ड यहाँ पर डिस्कस किया है. नेक्स्ट, इनका माइसीलियम ब्रांच होता है एंड सर्किट होता है. जब बात कर रहे हैं हम माइसीलियम सर्किट है, सिंपल से कंडीशन ऊपर है सर्किट था तो मल्टी न्यूक्लेटेड था. ये सर्किट है तो मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन नहीं होगी. ब्रांच कहीं. नेक्स्ट, यहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया में है जो एक्सोजीनस होता है, बट सेक्सुअल स्पोर्स एस्कस है, दीज आर एंडोजीनस. और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी में बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी में कहते हैं एस्कोकार. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, बीज, पेनिसिलियम, हर एक की स्पेसिफिकेशन है. न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट ग्रुप. चलो ये तो फंगस, बट उसको एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम जिसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला नाम आपको सुना होगा या नहीं सुना होगा. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज अ फ्रूट फ्लाई फाउंड ऑन फ्रूट्स. मोस्टली ऑफ साइज की होती है, सब थोड़ी छोटी मिल जाएगी. रेड कलर की होती है, रेड आइड, व्हाइट आइड ड्रोसोफिला मिलती है. और जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, और उस पर एनिमल किंगडम में जितने भी मैक्सिमम जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ड्रोसोफिला पर होते हैं. उसी तरह
ऑरेंज ट्रफल्स फ्रूट्स खाने में यूज करते हैं वो फ्रूट की तरह। यीस्ट इज अ सैक्रोमाइसिस सिस्टम यूनिसेल्युलर और यहां पे कंडीशन हो रहा है सैक्रोमाइसिस में यूनिसेल्युलर नहीं है सेलुलर में। यीस्ट की बात करते हैं कि सैक्रोमाइसिस सेलुलर सी है और ये बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट कहलाता है। ब्रूअर्स यीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है ब्रूअर्स के अंदर अल्कोहल ब्रूअर्स और साथ में इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। पहले से जो फर्स्ट एंटीबायोटिक के ऊपर कुछ थोड़ी डिस्कस की गई है पेनिसिलिन यूज आता है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन फर्स्ट एंटीबायोटिक इसी से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट रेसिनोमाइसिन ये सॉइल में मिलते हैं और ट्री के डिस्टर्ब्स उनके अंदर ही मिलते हैं। ब्रांच है सेपरेट इसमें कुछ एक्सटेंडेड लाइन नहीं है पहले से स्पष्ट किया ब्रांच सेपरेट और जब ब्रांच सेपरेट हो गए तो कंडीशन बनती है रिलेटेड कंडीशन नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते बट सेक्सुअल स्पोर्स मिलेंगे और वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर बेसिलियम स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर एसेक्स स्पोर्स का फॉर्मेशन एंडोजीनसली हो रहा था वहाँ पर बेसिलियम स्पोर्स का फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होता है और ये जो प्रोटीन बॉडीज में लगते हैं उनका नाम कहते हैं बेसिलियम का। इसका एग्जाम्पल एमेटस रस्ट और उसमें क्या लास्ट इज दी ड्यूटेरोमाइसिन। ड्यूटेरोमाइसिन इज आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ सेक्सुअल स्टेज। इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। एक्चुअल में होता यह है कि जो ड्यूटेरोमाइसिन के मेंबर्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल